सनराइजर हैदराबाद के लिए समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही, एक और उसको हार के लिए विवश होना पड़ा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में चेन्नई की टीम ने एक और जीत दर्ज करके साबित कर दिया कि 2023 के आईपीएल में एक बार फिर से वो प्रबल दावेदार के रूप में खेल रही है। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए केवल 134 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जिस टीम में हैरी ब्रुक्स, मार्क राम जैसे बल्लेबाज हैं, और चेन्नई ने 18.4 ओवर में 138 रन बनाकर किस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। अगर हैदराबाद के लिए बात करते हैं तो उसमें अभिषेक शर्मा सिर्फ 34 रन बनाते हैं, त्रिपाठी 21 और ब्रुक केवल 18 रन, एक बड़ी राशि के साथ खरीदे गए थे, लेकिन एक इनिंग्स के बाद ब्रुक्स फिर से ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएसके के लिए ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई, रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 3 विकेट निकाले हैं। एक ऐसा ही ये गेंदबाज है जो इसने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकाले, बाकी के किसी गेंदबाज ने इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन स्लो बैटिंग के कारण हार का सामना करना पड़ा। लेकिन डिवॉन कॉनवे की वो इनिंग्स 77 रनों की, जिससे हार के लिए विवश होना पड़ा एसआरएच के लिए।